नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक और आप देख रहे हैं अभी ब्लॉग्स। मसूरी ट्रिप का ये दूसरा दिन, आज हम आए हुए हैं मसूरी से करीबन 35 किलोमीटर दूर धनौल्टी में स्थित सुरकंडा मंदिर। शानदार व्यूज यार, अमेजिंग। मतलब सुबह का टाइम है भाई, 7:30 बज रहे हैं, पूरा रोड खाली है और ये जो ठंडी हवाएं चल रही है ना, ये जो एटमॉस्फेयर है ग्रीनरी, पूरा का पूरा ग्रीनरी का एटमॉस्फेयर है। मतलब आप देखो, वैली देखो सामने, कितनी खूबसूरत वैली लग रही है भाई। कल तो फॉग था, फॉग भी नहीं है, मतलब मजा आ रहा है। अमेजिंग व्यू, ये रेस्टोरेंट का है जहाँ पे हम बीच में भी चाय पीने के लिए रुके पड़े हैं। काफ़ी ठंड है तो ठंड को मिटाने के लिए सोचा क्यों ना एक कप चाय हो जाए। तो फाइनली पहुंच गए हम सुरकंडा देवी मंदिर, 3 घंटे स्कूटी चलाने के बाद, और अभी प्रसाद भी ले लिया है तो चलते हैं और माता जी का दर्शन करते हैं। ये यहाँ का मेन गेट है जहाँ से हम अपनी चढ़ाई चालू करेंगे और करीबन 3 किलोमीटर का ये ट्रैक होने वाला है। चलिए चलते हैं। जय माता दी। लास्ट टाइम जब हम 2018 में आए थे तो यहाँ पे रोपे की कोई सुविधा नहीं थी। अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही रोपे स्टार्ट हुआ है तो क्यों ना इस बार रोपे का मज़ा लिया जाए। क्योंकि लास्ट टाइम जब हम आए थे और जब हमने ट्रैकिंग की थी 3 किलोमीटर की, तो वो अप्रॉक्स 3 से 3.5 घंटे लग गए थे। देखते हैं इस बार रोपे में कितना टाइम लगता है और क्या एक्सपीरियंस रहता है रोपे का। जय माता दी। नाउ द जर्नी स्टार्टेड। मतलब भाई यार, रोपे लेने में कोई टाइम ही नहीं लगा यार, तुरंत टिकट मिल गया, कोई भीड़ भाड़ थी नहीं, तुरंत बैठ गए, 2 से 5 मिनट के अंदर ऊपर भी आ गए। मतलब पूरा का पूरा अगर आपको टाइम सेव करना है तो सबसे मस्त चीज़ है आप रोपे का इस्तेमाल करो। यहाँ पे आने के लिए 2 तरीके हैं नीचे से। पहला तो आप रोपे का इस्तेमाल कर सकते हो और दूसरा यहाँ पे सीढ़ियाँ भी हैं, सीढ़ियों से भी आप आ सकते हो। रोपे का जो चार्ज है वो करीबन 150 रुपीज़ चार्ज है और टैक्स बाकी 70 रुपीज़ का है, तो टोटल ये 177 का हो जाता है दोनों तरफ से। जो टोटल जो टाइम लगता है वो करीबन 2 मिनट का ही अप्रॉक्स टाइम लगता है। और ये रोपे आप देख रहे हो यहाँ से चालू होता है, यहाँ से रोपे चालू हो रहा है और यहीं से ही इसकी ऊँचाई है। बाकी आप यहाँ के नज़ारे देखो, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। मतलब आप व्यूज़ देखो और ये जो मंदिर का जो ढोल है इसका आनंद लो आप, कितना प्यारा। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, इतना शानदार व्यूज़ है यहाँ का, इतना शानदार व्यू है कि
ये चीज़ मतलब जो आँखों से जो देखने में ना हो सकता है कि कैमरे में कुछ चीज़ें ना कैप्चर हो पाएँ, क्योंकि जो दूर की चीज़ें हैं वो कैमरे में नहीं कैप्चर हो पा रही हैं, बट जो आँखों से जो दिखाई दे रहा है ना, जो व्यूज़ दिखाई पड़ रहे हैं, भाई साहब ऑसम है, ऑसम। सुरकंडा मंदिर, जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हो, बड़ा ही खूबसूरत ही एक मंदिर है, बड़े ही अच्छे सिनेरियो के साथ, एक बड़ा ही स्कैनिक व्यू जो इसका है, बहुत बड़ा ही खूबसूरत है। और इस मंदिर की मान्यता यह है कि जब माँ सती, जब सती हुई थी, तो उनका जो सर था वो यहीं पे गिरा हुआ था, और ये हमारे 51 जो शक्तिपीठ है उसमें से एक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।